देखिए, मैंने आज आप लोगों के लिए एक शानदार नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप लोग ऐसे घर पर बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये बनाने इतना इजी, आप ऐसे घर पर झटपट बना लेते हैं। इसे हम मैदा से बनाएंगे। आइए, दो तीन चीज में इसे हम बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार। मम्मीज किचन में आप लोग बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। आइए, एक बाउल में हमें 1 कप दूध लेंगे। दूध हमें आधा डाल लेंगे। फिर हमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से तुरंत मिला लेंगे। और एक बड़ा सा कप में हमें 1 कप भरकर जो मैदा ली उसे हम थोड़ी थोड़ी डालकर अच्छे से एक डो बना लेंगे। अभी चुटकी भर नमक इसमें हम डाल लेंगे और बचे हुए दूध अभी डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हो। वही क्वांटिटी में आप थोड़े दूध ज़्यादा ले तो ज़्यादा बन जाएगी। फिर हमें इसमें 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते, ऐसे हम मिला लेंगे। जैसे नॉर्मल हमें रोटी बनाते ऐसे हमें डो बनाएंगे। देखिए, हाँ, डो थोड़ी पतले लग रहे। अभी हमें और थोड़ी मैदा उसके ऊपर छिटका लेंगे और ऐसे हम अच्छा से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप चाहिए इसे हाथ से भी गूंथ सकते। देखिए, हमारा जो डो अभी भी पतले रह गए। फिर हमें और थोड़ी इसमें मैदा डालकर अच्छे से फिर मिला लेंगे। अभी हमारा डो बनकर तैयार हो गया। इसे हम कवर ढककर 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। फिर हमें एक पाटिया लेंगे, उसका ऊपर थोड़ी सी ऑयल इसे हम लगा लेंगे और हाथ में भी थोड़ी ऑयल लगाकर इसे हम जो डो बनाए थे इसे हमें निकाल लेंगे बाउल से। फिर हमें इसे थोड़ी चिकना डो बनाएंगे। देखिए, डो हमारा कितना सॉफ्ट। इसे हमें और थोड़ा गूंथ लेंगे हाथ से। अब थोड़े ऑयल लगाकर इसे हम गूंथ लेंगे। 2 सेकंड गूंथने के बाद इसे हम एक गोल सा डो बना लेंगे। देखिए, हमारा डो बनकर रेडी हो गया। फिर हम एक चाकू से इसे हम दो हिस्से में बना लेंगे और थोड़ी सी मैदा हमें छिटका कर इसे भी हम गोल गोल बना लेंगे। अभी हमें इसे भी लंबाई शेप डालकर इसे भी हमें 3 हिस्सों में बना लेंगे। देखिए, 3 बॉल हमें इसे बना लेंगे। और जो दूसरा हिस्से भी हमें ऐसे 3 बॉल, सारे बॉल एक ही शेप में हम बना लेंगे और छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। फिर हमें थोड़ी सी मैदा इसका ऊपर हमें छिटका लेंगे और हाथ से हमें ऐसे डो को समेट कर कर एक ही उसका ऊपर ऐसे प्रेस कर लेंगे और ऐसे हम सारे डो को ऐसे हम अच्छा से शेप डाल देंगे, गोल गोल के शेप। देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा जो डो, आसानी से ऐसे गोल बन जाता है। इसे हम दोनों दोनों हाथ से भी नहीं करना पड़ता है। इसे हम एक ही हाथ में ऐसे ऊपर उठाओगे थोड़ी थोड़ी डो को अच्छा से बन जाता है। फिर हमें प्रेस कर लेते तो ये शानदार शेप में बन जाता है। और देखिए, हमें ऐसे थोड़ी थोड़ी मैदा डालकर इसे हम शेप डाल देंगे, गोल गोल शेप। सारे शेप हमें
6 पीसेस हमारा हुए। फिर हमें आइए एक पैन में 200 ग्राम करीब नमक इसमें हमें डाल लेंगे। ऐसे हम अच्छा से डाल लेंगे। ये नमक मैंने 2-3 बार यूज कर किया हुआ नमक, फिर यहाँ मैं रख देती हूँ, दूसरा काम में मेरा आता है। फिर यहाँ मैं एक इडली का जो मोल्ड लेंगे उसका ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी ऑयल डालकर अच्छा से मोल्ड को लगा लेंगे। फिर हमें एक टिश्यू पेपर लेकर इसे हम पोंछ लेंगे, क्योंकि ना हमें इसमें जो बनाएंगे नाश्ता की कोई स्नैक्स बिस्किट भी बोल सकते हैं आप, हमें इसे डाल लेंगे ये अच्छा से चिपक जाए। हम थोड़ी इसलिए ऑयल को साफ कर ले। देखिए हम मेरे पास ऐसे एक बोतल पड़ा था, मैं इसमें यूज करते हुए एक शानदार शेप इसमें डाल दूंगी, जैसे दोनों लेयर जैसे बन जाएगी। और देखिए कितना शानदार और झटपट शेप हमें इसका बीचों बीच ऐसे प्रेस करेंगे तो आसानी से जो शानदार शेप में बनता है और शानदार भी दिखता है, ऐसे भी आप बना सकते आप। फिर मेरे पास थोड़ी सी डो बच्चे हुए थे, इसे हम बीचों बीच डाल देंगे। आप चाहे तो इसे फेंकते, नहीं तो हम क्यों फेंकेंगे और छोटा सा हम बना लेंगे। इसलिए मैंने अच्छा से ऐसे एक गोल सा बॉल बनाकर बीचों बीच डाल दे रही हूँ। फिर हमें थोड़ी सी दूध लेंगे और उसको हमें थोड़ी ब्रश से इसे का ऊपर हमें अच्छा से स्प्रेड करते हुए लगा लेंगे, क्योंकि ना हमें इसे जब कुक करेंगे वो थोड़े गोल्डन हो जाएंगे और ऊपर का ना जले, इसलिए हम दूध, आप चाहे तो अंडा का जो येलो पार्ट्स होता है इसे भी आप लगा सकते हैं। हमें इसे दूध डाल देंगे, इसे हम अंडा से नहीं बनाए थे, हमें इसे दूध डाल लगा कर ऐसे हम जो पैन हमारा गर्म हो चुकी। और देखिए इसमें हीट हो गई, देखिए इसमें धुआं आ रहे। अभी एक हमें स्टैंड रख लेंगे इसका ऊपर, डायरेक्ट इसे ना रखे, स्टैंड का ऊपर इसे हम रख कर इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। 5 मिनट का बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए आधा हमारा जो स्नैक्स बनकर रेडी हो गए। फिर हमें और थोड़ी दूध लेकर इसका ऊपर और एक बार ऐसे हम ऐसे लगा लेंगे दूध। थोड़ा हिल रहा है, मैं थोड़ी पास में लाती हूँ। फिर हमें 10 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद हमारा जो स्नैक्स बनकर रेडी हो गए। इसे हम थोड़ी सी बटर मेल्ट करते हैं, इसे हम उसका ऊपर ऐसे लगा लेंगे। देखिए इसे डालोगे तो थोड़े क्रिस्पी बनता है। फिर हमें सारे स्नैक्स के ऊपर हमें बटर लगा ली और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी सी गर्म है, इसे मैं चाकू से हटा लेती हूँ तो आसानी से हट जाता है। देखिए इसमें कोई टेंशन नहीं, इसका जो पीछे का साइड में दिखाया पलटी करी कितना शानदार और क्रिस्पी बनकर रेडी हो गई। फिर बच्चे लोग को थोड़े अट्रैक्टिव के लिए मैंने थोड़ी हर्षी का जो चॉकलेट का जो सिरप आता है इसे हम ऊपर से डाल ली और बच्चे लोग फटाफट इसे देखकर खा लेंगे और बड़े को भी बहुत पसंद आएगी। इसे हम बनाकर चाय कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते। देखिए मैं पास में दिखाती हूँ, थोड़ी गर्म है। और आप लोग मेरी रेसिपी कैसे लगी? अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।